आज मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड लहसुन की खेती कैसे की जाती है, कब इसकी बिजाई की जाती है, कब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और बीच में इन पत्तों का क्या किया जाता है, और लहसुन खाने से ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? होप सो मज़े में होंगे। तो आज आपको ले चलता हूँ अपने लहसुन के खेत की तरफ, जहाँ हमने हाइब्रिड लहसुन की खेती की हुई है। तो आज लहसुन की खेती जो है अक्टूबर महीने में की जाती है, अक्टूबर नवंबर महीने में जो है लहसुन की बिजाई की जाती है, और मई महीने में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। मई महीने में इसको निकाला जाता है। तो बीच में जो है ये हरी पत्तियाँ होती है, इनकी एक दो बार बीच में गुड़ाई की जाती है, और गुड़ाई करने के बाद जो है इन पत्तियों का जो हम साग के लिए सेवन कर सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, और ये सब्जी बनाने में काफ़ी टेस्टी होती है और काफ़ी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। तो लहसुन खाना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लहसुन खाने से क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के मांसपेशियों में जो खिंचाव, और तब मांसपेशियों में जो भी परेशानी होती है वो दूर होती है, तथा साथ में बॉडी में जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, हड्डियों में दर्द, सब दर्द जो है हड्डियों, मतलब जो भी दर्द होते हैं हड्डियों के, इससे लहसुन से जो है वो ठीक हो जाते हैं। और लहसुन खाने से सर्दियों में लहसुन खाना बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगर इंसान एक दिन में जो है एक दो कलियां लहसुन की खा ले तो मतलब वो कभी मांसपेशी की, उसमें जो मांसपेशी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मांसपेशी की जो भी खिंचाव होता है या पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, उसका जो है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बंदा स्टेबल रहेगा हमेशा, क्योंकि लहसुन जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है, तथा इन जो बीच में इन हरे पत्तों का जो साग का सेवन करना भी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। तो लहसुन, मतलब लहसुन की फार्मिंग जो है, लहसुन खाने से बहुत फायदे होते हैं बॉडी के लिए। तो मैं आपको बताऊँगा लहसुन की फार्मिंग आप जो अपने किचन गार्डन में और घर में, मतलब गमलों में भी कर सकते हैं। ये हम जो है लहसुन की खेती करते हैं, तो हम अपने लिए पूरा साल के लिए इसको जो कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो पूरा साल इस लहसुन का उपयोग करते हैं, और इसी से जो है नेक्स्ट ईयर के लिए बीज भी रख लेते हैं, और यही बीज जो हमारे अगले साल के लिए काम आता है। तो इसका जो है दाने का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ जो नीचे दाना बनता है इसका अब जो इसका मैच्योरिटी का टाइम आ गया, तो इसको जो हम 4-5 प्लांट को जो ऐसे कलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर से इसको ऐसे बांध देंगे, ताकि जो भी इसके जो न्यूट्रिशन, जो पौष्टिक तत्व, प्रोटीन वगैरह जो भी है वो पत्तों में ना चला जाए, वो नीचे दाने में रहे। अगर इनका जो भी न्यूट्रिशन वगैरह पौष्टिक तत्व हो गए वो पत्तों में चले जाएंगे, तो नीचे जो दाने का साइज़ कम बनेगा, और इससे जो है फार्मर को घाटा पड़ेगा, मतलब इससे फार्मर को नुकसान ही होगा, क्योंकि इससे कम उत्पाद होगा और नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसलिए इसको जो है बीच से ऊपर से इसको बांध दिया जाता है, ताकि इसमें जो भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन तत्व जो भी होते हैं, न्यूट्रिशन लाभकारी तत्व जो भी होते हैं, वो ऊपर ना जाए, नीचे ही रहें, और इसमें दाने का साइज़ अच्छा आकार बने, और किसान को जो है काफ़ी फ़ायदा हो, उत्पाद भी अच्छा निकले, और प्रोडक्शन अच्छी निकलने से जो है किसान की आमदनी भी बढ़ जाए। तो इसलिए जो ऊपर से इसको बांध लेना चाहिए। लहसुन की खेती करने से जो किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है, और इससे मतलब इसका रेट भी अच्छा, दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। ये थोक में जो इससे अभी जो इसके सूखी लहसुन के 200 से 250 रुपये किलो प्रति केजी के हिसाब से दाम होते हैं। तो आप इसको सुखा कर भी बेच सकते हैं, अगर उसी टाइम हार्वेस्टिंग करते तुरंत उसी टाइम बेच देंगे तो 100 रुपये किलो जो है तब भी बिक जाती है। तो इससे जो मतलब किसान को काफ़ी लाभ होता है, मतलब काफ़ी इनकम होती है इसमें, जो काम भी कम होता है, और इसकी बस दो तीन बार गुड़ाई करनी होती है और इसकी बिजाई करनी होती है, बाद में इसका एक हार्वेस्टिंग का काम होता है, उसके बाद इसको काट के मार्केट में भेजना होता है। तो इसमें जो काफ़ी किसान के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है और काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो अब इसका जो हार्वेस्टिंग का काम चलना कुछ टाइम बाद, इसलिए इसको जो ऊपर से बांध दिया जाता है, इसको जो है ऐसे बांध दिया जाता है, 4-5 प्लांट को इकट्ठा करके ऊपर से ऐसे बांध दिया जाता है, ताकि जो भी इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, या जो भी इसके पौष्टिक तत्व हो, वो जो है पत्तों के जरिए ऊपर ना चला जाए, इसलिए इसको जो है बांध दिया जाता है, ताकि इसमें जो है अगर इसको बांधेगी नहीं तो इसका मतलब साइज़ जो है कम बनेगा, और मतलब दाना जो छोटा ही रह जाएगा, इसलिए इसको जो है बांध दिया जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी लहसुन की खेती के बारे में जानकारी देना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।